हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकरम एग्री सॉल्यूशंस में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के ऊपर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग इस चीज़ को जानते होंगे कि पिछले कई सालों से हिंदुस्तान के साउथ रीजन में, जैसे कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, इस तरफ एक इंसेक्ट का बहुत ज़्यादा ही प्रकोप है, बहुत ज़्यादा डैमेज उस इंसेक्ट ने किया हुआ है। और उस इंसेक्ट का नाम है दोस्तों ब्लैक थ्रिप्स। दोस्तों, ब्लैक थ्रिप्स नाम का इंसेक्ट, जिसे थ्रिप्स परविस्पाइनस नाम से भी जाना जाता है, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च एक तरह से चल रही है। काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर डिटेल स्टडी लोग कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये रस चूसने वाली कैटेगरी, यानी कि जो सकिंग पेस्ट होते हैं, उस कैटेगरी का एक ऐसा इंसेक्ट, एक ऐसा पेस्ट है जिसने चिल्ली और कैप्सिकम, यानी कि मिर्च और शिमला मिर्च में तबाही मचा कर रखी हुई है। दोस्तों, इंसेक्ट इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया है कि इसने सैकड़ों एकड़ ज़मीन एक साथ, जहाँ पर मिर्च या कैप्सिकम की क्रॉप लगी हुई थी, उसको बिल्कुल तबाह कर दिया है। 72-100% तक लॉसेस देखने को मिले हैं। और फार्मर्स जो पहले जो अपना केमिकल कंट्रोल या फिर IPM प्रैक्टिसेस से थ्रिप्स की कंट्रोल कर सकते थे, उन लोगों का यहाँ तक कहना है कि उन्होंने अपनी क्रॉप पर 6-10 स्प्रे तक, 10 अलग अलग पेस्टिसाइड्स, 10 अलग अलग टेक्निकल्स के स्प्रे भी किए, पर उनको कोई ऐसा परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिला कि उनकी क्रॉप इस डैमेज से बच सके। तो दोस्तों, इस पर काफ़ी लोग अभी, काफ़ी कंपनियां इस पर रिसर्च कर रही हैं, इसके अगेंस्ट कोई ऐसा टेक्निकल लेके आए जिससे जो थ्रिप्स की प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाए। दोस्तों, आज ही हमारे साथ एक कंपनी के जो रिसर्च टीम होती है, उसके एक मेंबर से हमारी बात हुई। तो हमने उसके साथ जब ये डिस्कस किया कि हमारे पास काफ़ी यूजर्स, हमारे इस चैनल को देखने वाले जो व्यूवर्स हैं साउथ रीजन से, हमें कई बार मेल मैसेज या फिर कॉल से पूछते हैं कि उनकी क्रॉप में ब्लैक थ्रिप्स का अटैक है, तो उससे कैसे काबू कर सकें। दोस्तों, हम जैसे कि इस टाइम हरियाणा में बैठे हुए हैं, ये हिंदुस्तान का नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पर अभी ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं है, पर एक अचंभित करने वाला एक फैक्ट हमें हमारे सामने आया है कि ये ब्लैक थ्रिप्स का अटैक अब सिर्फ साउथ रीजन में ना रह के नॉर्थ रीजन की तरफ बढ़ चुका है, क्योंकि इस बार जो टेम्परेचर था वो सितंबर में लगभग 30-35 डिग्री सेल्सियस के करीब टेम्परेचर रहा है, और अभी तक भी टेम्परेचर काफ़ी कंपेरेटिवली हाई है। और थ्रिप्स या फिर सकिंग पेस्ट के लिए हाई टेम्परेचर और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, खासतौर से हाई टेम्परेचर, इनके लिए आइडियल कंडीशंस क्रिएट करता है इनके आगे ग्रोथ के लिए। तो दोस्तों, उनका कहना यह है कि जयपुर, राजस्थान तक, यहाँ तक ब्लैक थ्रिप्स का अटैक देखने को मिल रहा है, और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगले 1-2 साल या 1-2 सीजन में ये अटैक हरियाणा या फिर हिमाचल की तरफ भी देखने को मिले। दूसरा, दोस्तों, हमने जब उनसे ये पता किया कि इसको कंट्रोल करना इतना मुश्किल क्यों है, जबकि सभी पेस्ट या इंसेक्ट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें ये बात बताई जो पहले से ही हमें चीज़ नोटिस में थी, कि ये थ्रिप्स का जो अटैकिंग नेचर है, ये कौन से साइट पे प्लांट की अटैक करता है, वो थोड़ा सा बाकी थ्रिप्स से डिफरेंट है, क्योंकि बाकी थ्रिप्स जनरली लीफ के ऊपर अटैक करते हैं, और लीफ के ऊपर कोई भी केमिकल का स्प्रे या फिर उनको कंट्रोल करना किसी पेस्टिसाइड या फिर टेक्निकल से आसान होता है। पर ये जो ब्लैक थ्रिप्स है, इसमें अलग चीज़ ये है कि ये हमारे जो फ्लावर पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जैसे हमारा पोलन, स्टिग्मा, यहाँ पर उसके अंदर जाके फीड करता है। अगर हम वहाँ पर कोई भी ऐसा केमिकल या टेक्निकल यूज करते हैं जो जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसका नेचर इस तरह का है, तो वहाँ पर वो हमारे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनको कई बार बर्न कर देता है, और हमारी क्रॉप में ऐसे ही डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो थ्रिप्स है, इसको टेक्निकली कंट्रोल किया जा सकता है, पर इसकी जो फीडिंग साइट है वो इस तरह से डिज़ाइन, इन्होंने इस तरह से अपने आप को मॉडिफाई किया हुआ है कि अब इसको वहाँ पर कोई केमिकल पहुँच ही नहीं पाता है, फूल के अंदर पोलन ग्रेन्स के ऊपर फीड करता है, और हमारी क्रॉप में जो लॉसेस हैं उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, और 100% तक हमें लॉस देखने को मिलते हैं। दोस्तों, उनका कहना यह है कि अभी वो इस पर काम कर रहे हैं, और जल्दी ही कोई ऐसा टेक्निकल वो लेकर आएंगे जिससे फार्मर्स की काफ़ी ज़्यादा मदद होगी। तो दोस्तों, ये अपडेट थी जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अगर आपको ये अपडेट और इस तरह की अपडेट्स पसंद आती हों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।